नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड 2.0 पे। डेली करंट अफेयर्स के 2 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज का आज का पहला सवाल है, हाल में बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर, जो कि पहले से ही बिटकॉइन का यूज कर रहा था, उसको वैध घोषित कर दिया है। हाल में किस विश्वविद्यालय ने QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत के स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो IIT बॉम्बे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारत स्तर पर। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे सुंदर रहने योग्य शहर में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संस्था के अध्यक्ष MR कुमार के कार्यकाल को बढ़ा के मार्च 2022 तक कर दिया गया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के, यह है MR कुमार। किस महिला को कथक में देश की पहली डीलेट उपाधि प्रदान की गई है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आचार्य है डॉक्टर विधि नागर, प्रोफेसर है, इनको पहली महिला है देश की जिनको कथक में डीलेट की उपाधि प्रदान कर दी गई है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस कंपनी के साथ 3 वर्षों के लिए इवेंट्स और ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है भारत पे के साथ। हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को पहले FHI हॉकी विश्व कप 5, इसका नाम है 5 हॉकी विश्व कप 2024 की मेजबानी सौंपा है? तो यह ओमान को सौंपा गया है। हाल में शोध के क्षेत्र में किस भारतीय संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो IIC बेंगलोर ने विश्व भर में शोध के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और अंतिम प्रश्न है कि असम के किस उद्यान को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर दे जाइए कि हाल में किस महिला को कथक में देश की पहली डीलिट उपाधि प्रदान की गई है? और आपको हिंट के तौर पर दे दें कि आप जिस विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं ये उससे संबंधित है। तो मिलेंगे फिर कल BHU वर्ल्ड 2.0 पे। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बिंदास रहें।